राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने हरिद्वार दौरे के दूसरे दिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार दौरे के दूसरे दिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। राष्ट्रपति स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रस्तुत रहे। विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थित प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में राष्ट्रपति ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और आरती के बाद मृत्युंजय सभागार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रमुख पदाधिकारियों और आचार्य के साथ फोटो सेशन में भी हिस्सा लिया। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दौरे के पहले दिन पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया था, जिसके बाद वो हरिद्वार गंगा आरती में भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सितारगंज में चीनी मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ किया। आपको बता दें, इस मौके पर सीएम ने गन्ना समर्थन मूल्य भी घोषित किया। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि इस सत्र में सामान्य गन्ने का मूल्य 335 रुपए प्रति कुंतल और अगेती गन्ने के लिए 355 रुपए प्रति कुंतल रखा गया है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसान की आय को दुगना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दौरान जिले के प्रभारी और गन्ना मंत्री स्वामी यतीशानंद, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और विधायक सौरभ बहुगुणा सहित कई बीजेपी नेता और अधिकारी मौजूद रहे। पिछले 4 साल से बंद सितारगंज चीनी मिल को दोबारा खोल दिया गया है। इस मिल के खुलने से स्थानीय किसान और काश्तकारों को काफी लाभ मिलेगा। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सुनाया अहम फैसला। 11 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म करने के मामले में आया फैसला। 20 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 50,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। मामला अजमेर जिले के ब्यावर सदर थाने का है, जहां पिछले साल अक्टूबर महीने में आरोपी चांद मोहम्मद ने पीड़ित से सिगरेट मांगने के बहाने उसे अपने कमरे में ले गया और उसके साथ घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। 1 साल चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 दस्तावेज और 12 गवाह पेश किए गए, जिसके बाद आज कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा का ऐलान किया। अक्टूबर 2020 के ब्यावर सदर थाने का है मामला। न्यायालय ने सुनाया चांद मोहम्मद को 20 साल के कठोर कारावास की सजा, वहीं 50,000 के अर्थदंड से किया दंडित। 17 दस्तावेज और 12 गवाह के आधार पर सुनाया गया फैसला। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर क्या स्थिति है, कितने लोगों को इससे लाभ पहुंच पा रहा है और साथ ही साथ फीडबैक क्या है, इन सब बातों को लेकर जयपुर से स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बीकानेर पहुंची। आईएएस ऑफिसर सौरभ स्वामी की अगुवाई में पहुंची इस टीम ने पीबीएम अधीक्षक सहित चिकित्सकों से बातचीत की। सौरभ स्वामी ने कहा कि सरकार की मंशा इतनी है कि जो ये महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की गई है, इससे लोगों को लाभ मिले, जरूरतमंद इसका फायदा उठा सके, इसी बात को लेकर सरकार ये कोशिश कर रही है कि जिलों में इस योजना को लेकर फीडबैक लिया जाए। इधर जिला कलेक्टर नमित मेहता का कह रहा था कि बीकानेर में हम पहले से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बेहतर काम हो, यही मंशा सभी की है। सरकार की मंशा भी यही है कि जो जरूरतमंद है और इस योजना में जो पात्र है, उन सबको इसका लाभ मिल पाए। कोटा शहर पुलिस के टारगेट पर इलाके में आतंक का पर्याय बन चुकी कुख्यात इमरान पर्ची गैंग। शहर की कुनाड़ी थाना पुलिस ने आज इस गैंग के आधा दर्जन बदमाशों के एक ऐसे गिरोह की धरपकड़ की है, जिनके सिर पर पहले से ही कोटा के विभिन्न थाना इलाकों में 78 संगीन मामले दर्ज हैं और गिरोह के 2 बदमाशों की गिरफ्तारी पर तो 7,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। शहर पुलिस को पुख्ता सूत्रों से इस तरह की इत्तला मिली थी कि शहर के मोहल्ला सुखाड़े आवासीय योजना के खाली मकानों में कुछ अज्ञात बदमाशों ने डेरा डाल रखा है। जब पुलिस वहाँ पर दबिश देने पहुँची तो पर्ची गैंग के सलमान शाहरुख समेत कुल आधा दर्जन बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। इनके पास से पुलिस को मिर्ची पाउडर, बेसबॉल का बल्ला, छुरा, चाकू, जिंदा कारतूस और देसी पिस्टल के अलावा एक कार और एक बाइक भी बरामद हुई है। पता चला है कि इस गिरोह की योजना शहर के नयाखेड़ा पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की थी। बहरहाल पुलिस इस गैंग के बदमाशों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि इलाके में हाल में हुई कई आपराधिक वारदातों का खुलासा भी इस बड़ी गैंग की धरपकड़ के बाद हो सकता है। पाकिस्तान से सटे बाड़मेर जिले में जिस्म फिरोसी के धंधे में लिप्त 5 युवकों तथा 4 युवतियों को बाड़मेर पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। मुखबिर से बाड़मेर पुलिस को सूचना मिली थी कि बाड़मेर शहर के उत्तरलाई रोड स्थित एक स्पा सेंटर में
अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, जिस पर बाड़मेर पुलिस ने एक बोगस ग्राहक बनाकर वहां भेजा, जहां पर अनैतिक गतिविधियां पाए जाने पर बाड़मेर डीवाई एसपी आनंद सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने दबिश दी। वहां पर 5 युवकों तथा 4 युवतियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की गई है। आपको बता दें कि सीमावर्ती बाड़मेर शहर में इस प्रकार के कई स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं, जिसमें वेश्यावृत्ति की जा रही है। बाड़मेर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अगर इस प्रकार की शिकायतें लगातार मिलती रही तो बाड़मेर पुलिस इस प्रकार से कार्यवाही जारी रखेगी।